जो अलग अलग मानव की खोपड़ियाँ, इसमें ये छोटा खोपड़ी भी है। आधार कार्ड का अलग, आई कार्ड अलग, आई कार्ड दो अलग। अच्छा। अवैध शराब और मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध सतत जारी निगरानी एवं तलाशी के क्रम में दिनांक 26/11/18 को समय 11 बजे पूर्वाहन में ट्रेन नंबर 13106 डाउन बलिया सियालदा एक्सप्रेस के आगमन के बाद रेल थानाध्यक्ष छपरा के नेतृत्व में टीम के अन्य सदस्यों के द्वारा छपरा जंक्शन के पूछताछ काउंटर के मेन गेट के सामने एक व्यक्ति संजय प्रसाद, जिसके 2 आई कार्ड हैं, एक बंगाल जलपाईगुड़ी के और एक मोतिहारी पहाड़पुर के, तो 2 आई कार्ड बरामद किया गया और बैग को संदिग्ध अवस्था में प्राप्त किया गया। बैग की चेकिंग के बाद उसमें कंकाल और फिर स्कल और स्केल्टन मिले, अधिक संख्या में मिले, तो इमीडिएट पूछताछ करने के बाद बैकवर्ड लिंक की तलाश की गई। बैकवर्ड लिंक में पता चला कि ये बलिया से लाया जा रहा है। तुरंत एक टीम गठित कर और बलिया के लिए भेजी गई। बलिया में बैकवर्ड लिंक प्राप्त हुआ और वहाँ पता चला कि किस अभियुक्त के द्वारा और किस तस्कर के द्वारा वहाँ से इसे दिया जाता था और फिर उसके बाद यहाँ उसे आज लाया गया है। तो इसके पास से जो बरामद सामान है, वो बरामद सामान में विदेशी भूटानी मुद्रा है और विदेशी नेपाली सिम है। इसके अलावा 2 राज्यों के अपने अलग अलग राज्यों के आई कार्ड हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गमनागमन इनके द्वारा होता है और व्यावसायिक गमनागमन की भी गुंजाइश इससे बनती है। तो इसके बाद हम लोगों ने इनके पास से कंकाल को सीज करके और फिर विधि सम्मत तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया और फिर अभी इन्हें जेल भेजा जा रहा है। और इस संदर्भ में एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताना है कि दिनांक 19/10/18 को मुजफ्फरपुर रेल क्षेत्र में ही लवारिस अवस्था में 12 खोपड़ियाँ बरामद की गई थी। इसके पहले भी मानव शरीर की हड्डियां ही बरामद की गई थी, तो उस दिशा में हम लोगों का अनुसंधान जारी था, प्रयास भी जारी था कि आखिर ये कौन सा गिरोह है जो इस पर काम कर रहा है। तो इसमें ये एक गिरोह का पता चला है। इसमें अनुसंधान होने के बाद और भी ढेर सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी और विदेशों से या दूसरे राज्यों से जो इसका कनेक्शन है उसको अनुसंधान के क्रम में ढूंढा जाएगा। देखिए, प्रथम दृष्टया इनके द्वारा जो बताया गया कि जलपाईगुड़ी में ले जाके और इसे भूटान या अन्य देश के तांत्रिकों को इसे अलग अलग खोपड़ियाँ अधिक मूल्यों में बेची जाती थी और अधिक लाभ अर्जित किया जाता था। विशेष 16 कंकाल की बरामदगी हुई है और 34 ये हड्डियाँ, शरीर की हड्डियाँ। सर, इसके पीछे एक नेटवर्क के बच्चे का ये किस, क्या देखने से क्या लग रहा है? वो तो आप खुद देख सकते हैं और विधि विज्ञान प्रयोगशाला में हमारे द्वारा अनुसंधान के क्रम में उसकी विशेष जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। और अनुसंधान में, अग्रतर अनुसंधान में सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी कि ये किस उद्देश्य से लाया जा रहा था और कहाँ ले जाए। टोटल कितने नरकंकाल? टोटल 50 हैं, जिसमें 16 स्केल्टन हैं, 16 स्कल हैं और 34 आपके हड्डियां हैं। सर, इसके पीछे गिरोह का भी उद्भेदन हुआ है क्या? किसी गिरोह का भी उद्भेदन हुआ है? बलिया से और दूसरे राज्यों से कनेक्शन अभी स्पष्ट हुआ है प्राइमरीली, बाकी आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी अनुसंधान।